सो हाय फ्रेंड्स, दिस इज टेकिला। अगर आप कोई भी गेम चलाते हैं, जैसे फार क्राई 4 हो गया, स्लीपिंग डॉग्स हो गया, या आप कोई भी गेम चला रहे हो और आपको रिकॉर्ड करना है, तो आप विंडोज़ प्लस जी से रिकॉर्ड कर लोगे अगर आप पे विंडोज़ 10 है, या आप कोई और स्क्रीन रिकॉर्डर का यूज़ करते हो, जैसे आई स्प्रिंग हो गया या फिर कैमटेजिया हो गया या कुछ भी हो गया, तो आप इन सब से रिकॉर्ड करते हो। एंड विंडोज़ प्लस जी जो इसका अपना स्क्रीन रिकॉर्डर होता है विंडोज़ 10 में, उससे HD वीडियोस रिकॉर्ड नहीं होती कई बार, और इसमें 4K वीडियोस भी रिकॉर्ड नहीं होती। एंड थर्डली इसमें क्या होता है, वो स्टेबल भी नहीं होती कई बार, और कई बार आप उससे लॉगिन मतलब कि आप उससे रिकॉर्ड नहीं कर सकते ढंग से विंडोज़ प्लस जी दबाकर, सिंपली ये बोला जाए तो। बट कैमटेजिया आप यूज़ करते हो जिससे HD वीडियो रिकॉर्ड हो, पर आपने कई बार देखा है कि ये सिर्फ विंडोज़ मोड में ही रिकॉर्ड कर पाता है, मतलब विंडोड जो होती है ना, विंडोड मोड कहते हैं उसे, तो उसमें रिकॉर्ड करता है, ये फुल स्क्रीन मोड में नहीं रिकॉर्ड करता। तो अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है कैमटेजिया से, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, तो आपको सब बता दूंगा मैं कि कैसे उसको आप ठीक कर सकते हो, विंडोड मोड से हटा के आप उसे फुल स्क्रीन मोड में कर सकते हो। जैसे मैं ये फार क्राई 4 खेल रहा हूँ, तो इसमें फुल स्क्रीन तो हो ही नहीं रहा है, कैमटेजिया से रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, नहीं हो रहा है। चाहे आप वीडियो के उसमें भी चले जाओ सेटिंग्स में, तो विंडो मोड को भी आप बॉर्डरलेस करो या फुल स्क्रीन करो, कुछ भी करो, बट वो स्टिल नहीं रिकॉर्ड होगा फुल स्क्रीन में। 1336 को अगर आप किसी और रेजोल्यूशन में भी चेंज करोगे, वो स्टिल नहीं रिकॉर्ड होगा। तो इसके लिए मेरे पास एक चीज़ है जिससे मैं आपको बता सकता हूँ कि आप उसे कैसे कर सकते हो। तो पहले आपको क्या करना है, पहले तो आपको देखो कैमटेजिया खोलना है, जो आपको पता ही है, जिससे भी आप कुछ भी रिकॉर्ड कर रहे हो, बट आप कैमटेजिया अगर आप पे है तभी आप समझ पाओगे उससे। तो जैसे आपने कैमटेजिया खोला, मेरे पे कैमटेजिया 9 वर्जन है, इसे मैंने खोला। इसमें आप फिर न्यू रिकॉर्डिंग में गए रिकॉर्ड करने के लिए, तो ये जो ये F10 वगैरह की आ रहे हैं, ये इसलिए आ रहे हैं अब क्योंकि मैं अभी आई स्प्रिंग से रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस सिचुएशन को। कैमटेजिया का मैं आपको टूल्स दिखाऊंगा, तो टूल्स में जैसे आप गए और फिर आपको ऑप्शन में जाना है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आप कैमटेजिया की चीज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए ही मैं दूसरा रिकॉर्डर यूज़ कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने ये कैप्चर वाले चीज़ों को, मैंने तीनों को अनटिक करा, तो आपको उन तीनों को ही अनटिक करना है, ठीक है, समझे। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, आपको टूल्स में जाना है, ऑप्शन में जाना है, ये जो कैप्चर की तीनों चीज़ें हैं इनको अनटिक करना है, लेयर्ड विंडोज़ को, कीबोर्ड इनपुट को, एंड स्क्रीन सेवर ड्यूरिंग कैप्चर, इसको अनटिक करना है। एंड प्रोग्राम में जाके आपको क्या करना है, रीजन में रीजन अपीयरेंस को हिडन रखना है, ठीक है, बस। एंड कैप्चर वाले में चौथा एक और चीज़ होती है, एरो नाम से भी होता है वो कुछ, वो 7 के लिए होता है या XP के लिए होता है, तो आपको 9 में नहीं मिलेगी वो चीज़ें, बट पुरानी चीज कैमटेजिया में होता था, वो पुराने कैमटेजिया में। तो ये जो पॉपअप आ रहा है देखो, अब जब आप इसे सबको तीनों को कर दोगे, तो आप ओके दबाओगे, तो ये रिकॉर्ड करने लग जाएगा। तो अब देखो मैं आपको दूसरा गेम करके दिखाता हूँ, ये देखिए स्लीपिंग डॉग्स, स्लीपिंग डॉग्स में आप कैमटेजिया से डायरेक्टली रिकॉर्ड हो रहा है, और अब मैं फार क्राई भी चलाऊंगा, वो भी फुल स्क्रीन में रिकॉर्ड हो जाएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम होगी, तो आप कमेंट में कमेंट कर देना, एंड आप बताना क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि कई लोगों को कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कई लोग विंडोज 7 चला रहे हैं या XP चला रहे हैं, अगर उन्हें स्टिल कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो पहली बात तो आप अपना कैमटेजिया को अपडेट कर लो न्यू वाले फीचर में, कैमटेजिया 9 में। एंड अगर आपको स्टिल उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे कि यार क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं सॉल्व करूँगा 100%। एंड मैं आपको अभी दिखाता हूँ, जैसे कि अब मेरा सब फुल स्क्रीन ऑन हो सकता है एंड ऑफ हो सकता है। तो बस यही था इसमें सब कुछ, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गुड बाय एंड टेक केयर।